जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सेमेस्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम सेमेस्टर क्या होता है इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपके मन में जो है एक क्वेश्चन जरूर हुआ उठा होगा कि आखिर सेमेस्टर क्या होता है। यदि आप स्टूडेंट नहीं हो तब भी आपने कभी ना कभी ये अपने कॉलेज लाइफ में या फिर किसी ना किसी स्टूडेंट से या फिर खुद ही अपने किसी आर्टिकल्स में पढ़ा होगा सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर अगर करियर की बात करें तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि भाई सेमेस्टर क्या होता है। और सेमेस्टर मान लीजिए अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में कितने सेमेस्टर होते हैं, या फिर अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो कितने सेमेस्टर हो सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं स्टडी और टैक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को विजिट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सिंपल सा जानते हैं कि सेमेस्टर क्या होता है। तो अगर सेमेस्टर की बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा कि पहले ये सेमेस्टर इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन पहले अदर कंट्रीज लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर आप अदर कंट्रीज में ज़्यादा ये पॉपुलर था। लेकिन आप इंडिया में ज़्यादातर भी जो कोर्सेज होते हैं या फिर डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं या फिर डिग्री कोर्स कह लीजिए, वो भी अब जो है ज़्यादातर सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन से मैं आप मान लीजिए ग्रेजुएशन 3 साल का, बेसिकली कम से कम 3 साल का होता है, तो यहाँ पर जो आपको सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं 6। तो बेसिकली अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई सेमेस्टर क्या होता है। तो सेमेस्टर बेसिकली आपको पता होगा कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनमें एग्जाम्स जो होते हैं, अगर 2 टाइम होता है मान लीजिए, अगर आप कोई एग्जाम है एनुअली एग्जाम होता है तो उसको हम सिंपल से बोलते हैं कि भाई एनुअली एग्जाम हुआ है। लेकिन अगर हाफ ईयरली होता है यानी कि अर्धवार्षिक एग्जाम होता है तो सिंपल सा उसको ही जो है सेमेस्टर बोला जाता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराती हैं तो सिंपल से उसको ही जो है सेमेस्टर्स कहा जाता है, एक टेक्निकल वर्ड्स में आप कह सकते हो। तो इस प्रकार जो है अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये अगर इसमें आपको जो है अगर 3 साल का है तो यहाँ पर 6 सेमेस्टर होंगे, अगर मान लीजिए कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो अगर 2 साल का है तो यहाँ पर आपको 4 जो है सेमेस्टर फेस करने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर यही जो मतलब होता है सेमेस्टर का। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि सेमेस्टर क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, और इस वीडियो से आपका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है क्वेश्चन का रिप्लाई करें या फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, और चैनल को अगर देखना चाहते हो ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग पैक के साथ।